नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के नए कैबिनेट के बारे में, जो कि है 23। इस मॉडल में सबसे खास बात है कि इसके एक साइड पैनल जो है वो टेम्पर्ड ग्लास का है और साथ में इसके फ्रंट में रेनबो आरजीबी स्ट्रिप दी गई है। और अब हम इसकी आगे अनबॉक्सिंग करेंगे, आप उसमें इसके सारे फीचर्स और डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। आप देख सकते हैं, अगर हम पैकिंग की बात करें तो इस कैबिनेट में आपको ड्यूल बॉक्स पैकिंग है। इस कैबिनेट में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपके लिए एक फैन है जो कि रेनबो एलईडी है। ये रेनबो एलईडी रिंग फैन है। इसके अंदर 120 mm इसका साइज है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीबीसी की जितनी भी टेम्पर ग्लास की कैबिनेट होती है उसमें आपको ईपीए पैकिंग मिलती है। ये फोम वाली पैकिंग होती है जो कि आपकी सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है, और ये सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है। मीन्स जब हम इसको किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट में यूज होता है तो इसकी वजह से इसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है कैबिनेट के अंदर। हम कैबिनेट को बाहर निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं कैबिनेट की जो पैकिंग है बहुत ही जबरदस्त की गई है, जिससे कि ये डैमेज ना हो ट्रांसपोर्ट में। अब हम इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं इसके एक साइड में ये टेम्पर्ड ग्लास है और ये चारों तरफ स्क्रूज से कवर है। हम इसके पहले स्क्रूज को ओपन करेंगे। ये आप अगर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसके स्क्रूज में भी यहाँ पे रबड़ माउंट दिया गया है, जिससे कि ये ब्रोकन ना हो ग्लास किसी भी तरह के इश्यू में। ये चारों स्क्रू में है। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास की प्रोटेक्शन के लिए इसके दोनों साइड ये आपके थैली से इसको प्रोटेक्ट किया गया है, जिससे कि इस पर किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह ना आए। ये आपकी दोनों साइड है, ऊपर भी है और ये नीचे भी है।
अब अगर हम बात करें तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसमें ये रबर की बिडिंग्स दे रखी हैं चारों कोनों में टेम्पर्ड ग्लास के लिए, कि जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पर्ड ग्लास का प्रोटेक्शन हो सके, चारों कोनों में है ये। अब हम इसके केबल्स की अगर बात करें, ये इसकी केबल्स हैं, केबल्स की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है इस कैबिनेट में। ये आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी की वायर्स का यूज किया गया है इसमें। एक आपकी ये 3.0 की है, ये एक ऑडियो के लिए है, ये नॉर्मल 2.0 USB के लिए, ये आपके रिस्टार्ट पावर और हार्ड डिस्क LED की है। हम बात करते हैं इसके स्क्रूज की, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें चार या पांच आपके टाई दिए गए हैं, जिसको आप अपने केबल मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं या नॉर्मल भी किसी भी चीज़ को हैंग करने के लिए इसमें कैबिनेट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये आपके इसके अंदर देखें तो हम ये और स्क्रू भी हैं, जिसमें आपके फैन के स्क्रू भी हैं, नॉर्मल स्क्रू भी हैं, मीन्स बहुत तरह के स्क्रूज हैं इसके अंदर मल्टी लेवल टाइप के, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आप इसको कई जगहों पे इन स्क्रूज को यूज कर सकते हैं, कोई मिस हो जाए या आपको फैन माउंट करना है तो इस तरीके से आपके लिए स्क्रूज की भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है इसमें। हम बात करते हैं इसमें मदरबोर्ड्स के लिए, तो ये जो है आपका मदरबोर्ड्स, इसमें हम ATX से लेके IATX तक मदरबोर्ड फिट कर सकते हैं। साइज की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है मदरबोर्ड की, लेंथ के लिए भी हम काफ़ी अच्छा यूज कर सकते हैं, और ग्राफिक कार्ड के लिए भी इसमें काफ़ी लंबा और लॉन्ग स्पेस दिया गया, तो हम ग्राफिक कार्ड भी इसमें काफ़ी हाइट का यूज कर सकते हैं। अब बात करें हम अगर SSD की, तो एक SSD लगाने के लिए इसको हम बैक साइड से लगेगी, और एक SSD ये हम यहाँ पे माउंट कर सकते हैं, ये भी आपकी बैक साइड से यूज होगी। PSU में इसका डाउन साइड है, तो इसके लिए हम इसको ओपन करते हैं, बैक पैनल इसका ओपन करते हैं, फिर देखते हैं अंदर हमें और क्या क्या फीचर इसके मिलते हैं। ये हमें इसका बैक पैनल है, ये यहाँ पे आपका इसमें RGB LED के लिए कंट्रोलर लगा हुआ है, साथ में आप इसमें और RGB फैन ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें RGB फैन भी लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट यूज़ हो जाएंगे। अब हम बात करें तो इसकी PSU के लिए, तो ये PSU के लिए स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसमें, लंबा स्पेस है, यहाँ पे आप अपनी नॉर्मल HDD लगा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था आप उस साइड, ये इस साइड आप SSD यूज कर सकते हैं, इनको सीधा कर लीजिए अगर आपके मुड़े हुए मिले तो, या सीधा करके एक SSD यहाँ लगा सकते हैं। और ये जो है ये आपका टू टेप से माउंटेड है, आप चाहें तो इसको उखाड़ के दूसरी जगह भी फिक्स कर सकते हैं। अब हमारी ये कैबिनेट की बात हुई, अब इसमें हम बात करते हैं केबल मैनेजमेंट की, तो केबल मैनेजमेंट के लिए आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे स्पेस दिया गया है, जिससे कि आपकी वायर्स अंदर जाएं, यहाँ से यहाँ काफ़ी जगह स्पेस है, जिससे कि आप अपनी वायर्स को अंदर अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं, और जहाँ पे चाहिए आप हाइड करके उनको ले जा सकते हैं। ये आपका केबल मैनेजमेंट के लिए हो गया। अब हम इसकी अगर बात करें, फैन की बात करें, तो इसमें आप हम लोग दो फैन 120 mm के यहाँ लगा सकते हैं बॉटम में, एक फैन 120 mm का हम बैक में लगा सकते हैं, एक फैन ये टॉप में लगा सकते हैं। फैन के साथ साथ यहाँ पे मैग्नेटिक आपको मैट दिया गया है, जैसे डस्ट कवर करते हैं, ये आपका मैग्नेटिक है, आपका मैग्नेटिक डस्ट कवर है ये, और यहाँ पे आप 120 mm का फैन लगा सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप दो फैन आपके फ्रंट में भी लगा सकते हैं, या 240 mm का वाटर कूलर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं वाटर कूलर को, चाहे यहाँ भी यूज कर सकते हैं।
अब अगर इसके बैक साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ये आपके स्टैंड दिए गए हैं, जिनके नीचे फोम भी लगा हुआ है जो कि आपकी ग्रिप कैबिनेट की बहुत अच्छी बना के रखेगा। साथ में एक PSU के लिए आपका डस्ट कवर भी दिया गया है यहाँ पे। अब हम इसके फ्रंट पैनल को ओपन करेंगे। फ्रंट पैनलों को ओपन करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले ये जो स्पेस दिया गया है ये एयर के लिए भी होता है, तो आप इसको सबसे पहले ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ये मैंने पुश किया और ये इसका फ्रंट पैनल हमारा बाहर आ गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रंट पैनल रिमूव करते टाइम पहले केबल्स को फ्री कर लीजिए, नहीं तो केबल के टूटने का डर बना रहता है। यह आपका इसका फ्रंट पैनल है और हम इसको फ्रंट पैनल को हटा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप आराम से इस तरीके इसके हटाने के बाद यहाँ पे अपने फैन फिट कर सकते हैं। और इसको हम वापस फिट करते हैं। जब आप फैन फिट कर लेंगे तो इसमें आप कहेंगे कि एयर फ्लो के लिए यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ से आपकी कैबिनेट एयर फ्लो के लिए एयर को अंदर लेगी। और ये भी स्पेस इसमें दिया हुआ है, ये भी एयर फ्लो के लिए ही है। ये देख सकते हैं इसमें एयर फ्लो के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। अगर आप फ्रंट में यूज करते हैं, टॉप में आपके लिए डस्ट कवर है तो आप यहाँ पे डस्ट कवर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ये आपका टॉप पे हो गया, ये बैक में है। एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके एक्सपेंशन स्लॉट हैं जो कि आप अपने गेमिंग में या ग्राफिक कार्ड के लिए या PCI कार्ड के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इसके फ्रंट पैनल में आते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, एक 3.0 USB, एक 2.0, दो 2.0 USB दिए गए हैं। माइक और हेडफोन का जैक दिया गया है। साथ में आपका रिस्टार्ट का बटन है। ये LED का बटन है, जब आप ये आपका LED जो आगे रेनबो LED लगी हुई है इसको ये बटन से आप अपने कलर चेंज कर सकते हैं या इसके फीचर को चेंज कर सकते हैं या किसी दूसरी तरीके के इसमें कलर कॉम्बिनेशन को जो कि इसमें प्री लोडेड है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। या आप इसके अंदर ये जो LED का बटन है असल में इस कंट्रोलर को कंट्रोल करता है, और अगर आप इसमें अपने फैन भी यूज करते हैं तो वो भी इसी बटन के थ्रू आपके कनेक्ट होंगे। तो आप मतलब उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो फैन भी उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसमें यूज होंगे। तो ये आपकी कैबिनेट है Canty 3। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो फ्रंट का सरफेस है बहुत अच्छा दिया गया है। ये आपका मैट फिनिश सरफेस है, इसमें किसी भी तरह का आपका डस्ट वगैरह या किसी भी तरह का आपको इश्यू नहीं आएगा, जो कि हमें ग्लोसी में ज़्यादातर आता है इश्यू के हम थोड़ा सा उसको साफ करते हैं या कुछ करते हैं तो उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं। इस मॉडल में ऐसी कोई इशू नहीं है, आप इसको आराम से जितना चाहें क्लीन कीजिए, इस पर किसी भी तरह के स्क्रैच नहीं आएंगे। ये आपकी Canty 3 कैबिनेट का फुल अनबॉक्सिंग प्लस फीचर्स के साथ रिव्यू था और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इन फ्यूचर में आप हम कोई भी अपना वीडियो या नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि और लोग भी हमारी कंपनी के बारे में जान सकें।